क्या होता है, हम डेली फोटोज आती हैं पर कुछ ही फोटो होती है जो आपको समझ में आती है, जिसको आपको देख के अंदर से लगता है हेलो अरे इतने सारे लोग कितने लोग पहली बार स्टैंड अप देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जनरल, कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? पहली बार, पता कितना प्रेशर है मुझ पे, या आपका आखिरी भी हो सकता है क्या? तो फिर नहीं, YouTube पे, अब YouTube पे ठीक था ये। अच्छा बाकी लोग फिर दोबारा खर्च करके आए वैसे काफी से। सर हाउ आर यू, लड़के आए हो किसी से घर से आज? लड़के आए हो घर में किसी से? किसके साथ आए हैं आप? वो तो लग ही रहा था जिस हिसाब से आपका नेचर है वो अलग ही होना चाहिए आपको, क्योंकि शो इधर है आप उधर देख रहे हो। खर्चा तो काफी किया है इन्होंने दीवारों के ऊपर। कितने लोग मैरिड है यहाँ पे? जस्ट गिव मी लाउड चीयर, मैरिड। हाँ मेरी ऑडियंस यही है, राइट। मैं अपनी ऑडियंस देख लिया, बाकी सब लोगों के लिए देखो मुश्किल होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। हाय मैम, कौन कौन किसके साथ है ये बता दो, बड़ा अलग कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक तो मैं कल गुड़गांव का शो करके आ रहा हूँ, एकदम से वहाँ लड़के लड़के थे, आज लड़कियाँ लड़के देख रहे हैं। मुझे एकदम मेरी आंखें ना एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इतनी लड़कियाँ यहाँ पे एकदम। कैसे जानते मैम? डेटिंग मम्मी है। अरे मैम आप संतूर मम्मी लग रहे हो आप। अभी सैफ अली खान आएगा आपकी तो जैसे आपकी उम्र का पता ही नहीं लगा एकदम से, उसमें तैमूर का बाप आ रहा है। मैम आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इधर 24, बट आपने मेंटेन बहुत अच्छा किया है। क्या लगा रही हैं आप? नहीं जानना चाहिए ना, देखो दो तीन बैठे आपको जनरल वो तो खाली है पूरे दिन, लगा लेगा आप बताओ भी। बेड पे उल्टा तकिया पे ऐसा करके बैठ जाएगा, खाली कर लेगा वो। आप बताओ मुझे एक बार बस, आप जस्ट हैप्पीनेस मैम काफी नहीं बांटो मैम इनमें, उसमें देखो हैप्पीनेस का एच दिख नहीं रहा, एस दिख रहा है एस। कोई बात नहीं, आप इनके साथ में वो मनाई कर होते भी तो हम अलग हैं, आज से हमारे रिश्ते अलग अलग हो गए हैं। आप दोनों कैसे इनके साथ? फोर आर टुगेदर का वन टू, अच्छा दो तो कौन, कोई डेट तो किसी को नहीं कर रहा? नहीं। वो लग गया था ना कि दो लड़के साथ में बैठे हैं, दो लड़के अलग बैठे, वरना होता तो साथ में ऐसे हाथ पकड़े बैठे होते दोनों ही। कोई बात नहीं, बट क्या क्या कमी रहेगी इनमें? अच्छा भाई कजन्स, अरे तो इसमें हंसने की बात नहीं थी, कजन है वो लोग यार। हाँ ठीक हो भैया, अब हंसाइए, अब इसके चेहरे पे हंसी आई। हाँ कोई बात नहीं, निहार रो बता दू, नैरोलक चाट के देख लो, नैरोलक ही है। मन तो मजाक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कोई बात नहीं आप, अरे ये बोधा टुगेदर काफी सही, लड़की की तरफ से कुछ इशारा था नहीं, वो अभी भी ऐसे करके बैठी है कि कितना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को? योर फ्रेंड्स, पहले बोला वी आर टुगेदर, डिसअपॉइंटमेंट। पहले तेरे मन की बात निकली थी बाहर, उसके बाद तूने बोला कवर अप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बट इनमें क्या कमी रहेगी? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा हक क्या पूछने का वैसे? कुछ नहीं, नहीं ठीक ठाक दिखता है, ऐसा बुरा भी नहीं है। अब वो लड़की देख रही है कि क्या कमी रह गई इसमें, खुश हो भाइयों के साथ आओ, उस बेचारे को डेट पे भी नहीं आने दे रहे तुम लोग। समाज सही नहीं जा रहा हमारा इंडिया का। हाँ तो कैसे मैम बताओ ना, कुछ तो बताओ, बेचारा इतना प्यारा लड़का है। क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? MBA IT ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हो गए, अरे काफी सी नौकरी नहीं लगी? खुश रखेगा बता रहा हूँ मैं, मर्जी तुम्हारी है। कोई बात नहीं, पीछे भी कोई मैरिड, आप मैरिड? मैम इज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज, हाँ लव मैरिज लाइक कॉलेज प्लेसमेंट। इनके मुंह से खुशी निकल के दिख रही है वो कि लव मैरिज,
लोगों को लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, बट आई डिड इट. मैम हु प्रपोज्ड हु होम? ये जेलस है आउट ऑफ यू. अभी तो अल्फा मेल है वो. हेलो अल्फा घर रख के आए वो अपना. इग्नोर करो ये, कहाँ आजकल के बच्चे, क्या पता लगेगा इनको क्या होता है. हाँ हाँ बट मैम लव मैरिज, बिकॉज लव मैरिज इज लाइक कॉलेज प्लेसमेंट, अदरवाइज आप गूगल सर्च करते रहो. जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ना मैं आजकल अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए. और हाँ ये मैम करना पड़ता है. आपका बॉयफ्रेंड है कोई? मैम थोड़ा बाहर जाओ आप, थोड़ा बच्चों को खुलने दो, बता रहा हूँ मैं आपको. वो खालीपन के साथ आया वो चेहरा, फिर खालीपन के साथ अभी भी देख रहा है, लाल रंग की पेंट है, खुश है वो आदमी. पर देखो अपनी अपनी खुशियाँ साथ में लेके आया हुआ है. आप जैसे आप संतूर मम्मी ले आए, वो भाई ले आई, वो बेचारा लेके आया, बट वो रिलेशनशिप ही नहीं है उनका कोई नहीं. समाज कहाँ जाएगा. मैं सर वीडियो वीडियो नहीं बनाऊँ सर. देखो बनाओगे आप यूट्यूब पर डालोगे, एक आध व्यू आएगा, वो भी इसी का आएगा, यही सच करेगा, हॉट पिक ऑफ रजत चौहान, और उसमें एक ही वीडियो आएगा उसमें, यही निकलेगा उसमें. बट ऐसे मैं बताऊँ, मैं अपना काफ़ी सैड चल रहा हूँ, मैं काफ़ी सैड चल रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट शादी फिक्स हो गई थी. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच गए. हाँ कोई दुखी औरत बोली, दुखी औरत. काश उस दिन मैं भाग पड़ती, लहंगा पहन के भाग जाती. वो भागने नहीं दिया मुझे उसने. आर यू मैरिड मैम? आर यू मैरिड? तब भी इतने खुश क्यों हो रहे हो आप? ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं, अभी बताएंगे. देखो अभी अल्फा मेल बताएगा वो क्या होता है. डिस्कवरी पे आते हैं इनके एपिसोड. नर माधव को खुशी रहेगी. देखो देखो मैं देखो मेरी ऑलमोस्ट शादी फिक्स हो गई थी, पर आपको पता है मैम आजकल की लड़कियां. उसने बोला शादी के बाद जॉब करनी है, और मैंने बोला मुझे नहीं करनी है. और इस बात पे उसने रिश्ता तोड़ दिया. तो इस बात पे कौन रिश्ता तोड़ता है यार. और इंडिया में देखो शादी तीन तरह से होती है. जैसे आपकी तो हो गई सर, देखो आप तो मतलब चिक पिक निकले. अब दूसरा होता है आपका लव कम अरेंज मैरिज. किसी को पता है लव कम अरेंज मैरिज क्या होती है? ये वीडियो बांटी तुम लोगों ने, को लोगों ने इन्होंने बीच अलग जोश में चल रहे हैं यार, बीच वाले लोग यार ये काफी सही. नहीं नहीं मैं बताता हूँ, लव कम अरेंज मैरिज ना एक कॉन्सेप्ट है ये. किसी को पता क्या होता है आप बताओगे थोड़ा सा? पता है आप, सुना है कभी आपने कि लव कम अरेंज मैरिज हुई? सुना है ना, ये देखा नहीं होगा आपने. बेसिक ना ये वो लोग होते हैं जिनकी ना अरेंज मैरिज होती है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी अरेंज हो रही है. तो लड़की से बात कर लेते, कह रहे यार हमारे को प्यार हो गया. करी कब? रोके के दिन. उसके बाद उनको हो गया. आइडियली इट शुड बी कॉल्ड एज फोर्सफुली लव्ड कम अरेंज मैरिज. एंड तीसरा और सबसे बढ़िया तरीका है अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज इज लाइक, आपने खेला ट्रम्प कार्ड बचपन में? वो हाइट हाइट क्लैश, वेट वेट क्लैश, है वो ब्यूटीफुल लड़की हैंडसम सैलरी क्लैश. हमारे पेरेंट दो चीजें भरोसा करते हैं बताओ आपको. एक हो गई मारुति. बेटा जब भी गाड़ी लेनी हो मारुति की ले लो, लो मेंटेनेंस एंड मारुति का विश्वास. एंड दूसरा है अरेंज मैरिज. उनका कॉन्सेप्ट होता है कि ना अरेंज मैरिज में डाइवोर्स रेट कम है, पता आपको? 1-2% है इंडिया में. क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं, हमें पता है कि दोबारा वो नागिन डांस होना ही नहीं हमसे, तो इसलिए दोबारा वो यार डिवोर्स लेने का फायदा होता नहीं हमारे केस में. और इंडिया में ना ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे ना कि हमेशा बोलते हैं कि एक ओल्ड सेइंग होती है कि ना शादी में पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं. किसी को पता है बात? वो गाड़ी पर मारुति की ही है, उन्होंने तय कर रखा है. तो मेरे घर में क्या होता है, अब डेली का एक वो नया नया कार्यक्रम चलता है कि रुबा चाय आएगी, टोस्ट आएगी, फोटो आएगी, कर ले शादी. ये एक नॉर्मल सी लाइन आती है हमारे पास. अब होता क्या है कि फोटोज में बहुत सारी आती है, बहुत सारी आती हैं. आपने आपके टाइम में भी आई होंगी फोटो सर? आपके टाइम में तो मतलब बरस के आई होंगी. जिस दिन आपकी शादी होगी कितनी लड़कियों ने तो छत से नीचे गिरी होंगी. कोई बात नहीं, उधर मत देख, बिल्कुल मत देखना उधर. बता रहा हूँ, वार्निंग है, बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देखना पीछे आदमी को, बता रहा हूँ.
हाँ फोकस ऑन मी, गलत आदमी है उधर तुम देख सकते हो। शीशे से शीशे टकराए फिर हम देखेंगे तमाशा। ठीक है नहीं अरेंज वाली तो अब क्या होता है, हम डेली फोटोज आती हैं पर कुछ ही फोटो होती है जो आपको समझ में आती है, जिसको आपको देख के अंदर से लगता है एक आधी फोटो होती है। तो मुझे एक लड़की की फोटो पसंद आई, मैं कहा यार मिलना है इससे। अब होता क्या ना कि उन फोटोग्राफर ने उन फोटो पे इतना शिद्दत से काम किया होता है शिद्दत से, भगवान जाने नेरलॉक डाल रखा होता है, पुट्टी डाल रखी है, क्या डाल रखा होता है। मेरे पास एक लड़की की फोटो आई थी, वो लड़की उस फोटो में इतनी गोरी थी, इतनी गोरी थी कि उसके सिर्फ दांत पीले थे उस फोटो में। तो मैं मिलने गया उससे, अब मैं बैठा हूं रेस्टोरेंट में फोटो लेके और सामने से डायफ्राम चलता हुआ आ रहा है। फोटो और डायफ्राम में जेट लैग है, ये मैच ही नहीं कर रहे। मैं वहां मैच कर रहा हूं, मैं कहा वेरी नोज नोज आईज आज बैठ गई वो सामने आके, पहचान में नहीं आ रही। मैं पहचान में, आप तो संतूर हो, वो पहचान में नहीं आ रही। मतलब मैं तो एकदम, मैं कहा बेबी यू शोड मी योर ट्रू कलर्स टुडे। अच्छा अब क्या हो गया कि अब तो मैं लड़कियों से रेगुलर मिलता हूँ, मतलब मैं ऑन एन एवरेज हर हफ्ते 3 लड़कियों से मिलता हूँ। हर हफ्ते प्रो हो गया हूँ मिलने के लड़कियों से, हल्का नहीं है। मतलब पता है मैं इतना ग्रूम था नहीं कभी, ये तो हर हफ्ते लड़कियों से मिलता हूँ तो सिखा दिया। जैसे मैम आप बताओ अपने पति को अपने सिखाया नहीं सिखाया, कितना कितना टाइम हुआ शादी को? 30 अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और आपको कॉमेडी जरूरत पड़ गई। मैं सारे सेंटेंसेस आदमी के खिलाफ वापस ले रहा हूं अपने, ये कोई चिक पिक नहीं है भाई। ये क्या 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 गलत हो रहा है आपके साथ? हनीमून पे गए नहीं गए आप? आप कहां गए थे? नहीं ना मैं तो होया आपने हनीमून पे। अरे कोई बात नहीं सर, बुरा क्यों मान रहा हूँ, बट कॉमेडी जरूरत पड़ गई एकदम से। मैम लव मैरिज के बाद दिक्कत होती है ऐसी है। अभी 20 दिन आपकी तो मेहंदी लगी हाथ पे अभी भी गई? अभी तो आपका चंद्रमुखी पीरियड स्टार्ट हुआ है, पता आपको चंद्रमुखी पीरियड कहता हूँ मैं, प्यारा प्यारा पीरियड होता है जैसे इसमें क्या खाओगे? कुछ भी। बंदा टिंडे खा रहा बैठ के, अलग भाई प्यार अलग है। अभी बंदा सो रहा है एकदम से पीछे से आ जाएगी।